हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश खा गया भारत का सारा माल है। बांग्लादेश येट टू पे करोड़ इन ड्यूज टू इंडिया फॉर फार्मा एक्सपोर्ट। ओ कितना उधार लिया है इन्होंने। मैं तो ये देख के सुन के हैरान हो रही हूँ कि वहाँ बिजली का वो नहीं, उन्होंने उसका वापस दिया पैसा। अब लग रहा है कि फार्मा के लिए भी इन्होंने दवाइयाँ शवाइयाँ ली हैं, वो भी कर्जे पे ली हुई है, उसका भी पैसा नहीं दिया। कितना इन्होंने लिया हुआ है। ये तो दूसरा बिल्कुल पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान का भी तो न्यूज़ थी कि भैया हमसे मेडिसिन ली हुई है, उस वो अभी तक उसका पैसा ही नहीं दिया हुआ। अब आज तक हद ही है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश को दी गई उधारी अब भारतीय कंपनीज पर काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है, और आलम ये है कि बांग्लादेश की हरकतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, जिसके कारण अब भारतीय कंपनियां बांग्लादेश के इम्पोर्टर पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं, और इसके नतीजतन बांग्लादेश में भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी के साथ गिरता चला जा रहा है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश अपनी दवाइयों के लिए 30% रॉ मटेरियल अकेले भारत से खरीदता है। रॉ मटेरियल मतलब दवाइयां खरीदता है। 97% दवाइयां को खुद अपने देश में प्रोड्यूस करता है। अच्छा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले 30% रॉ मटेरियल फिर भी भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेशी इम्पोर्टर ने कुछ दिनों पहले भारत से दवाइयों के कंसाइनमेंट जो उधारी पर उठाए थे, उन इम्पोर्टर का अब कोई अता पता नहीं है, जिससे इन दवाइयों के कंसाइनमेंट का पेमेंट पूरी तरह से अटक चुका है। यही नहीं, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग खबर यह भी निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के नासिक से भेजी गई प्याज से लदी 400 से अधिक ट्रक भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर फंसी हुई है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में तो मतलब वो तो सब्जियां गई तो खराब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये क्या बन रहा है? अच्छा, दवाइयां बन रही है। तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारतीय दवा एक्सपोर्टर और चिकित्सा पर्यटन कंपनियों के लिए अनेकों बाधाएं खड़ी हो गई है, और यह बात सामने आ रही है कि भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर कंपनियों ने इस बात की शिकायत की है कि इनके द्वारा बांग्लादेश में भेजे गए कंसाइनमेंट कहीं गायब कर दिए गए हैं, और ज्यादातर बांग्लादेशी फार्मा इम्पोर्टर जिन्होंने भारत से दवाओं के कंसाइनमेंट का इम्पोर्ट किया है वह फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, और जिनके द्वारा फोन कॉल रिसीव किया भी जा रहा है उनके द्वारा भारत को पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया गया है। और बांग्लादेशी इंपोर्टर द्वारा हर एक सेक्टर में इसी तरह उधारी पर सामान को लेकर सीधे मुंह बात ना करना और पैसा मांगने पर सीधा मना करना भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि जिस बांग्लादेश की भारत हमेशा से मदद करता आया है उसका बर्ताव भारत के प्रति इस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की प्राइवेट कंपनियों से लेकर सरकारी कंपनियां तक एक ओर तो भारत से उधार लेकर बैठ गई है, और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस भारत को आंखें दिखा रहे हैं और भारत के साथ अपने रिलेशन को तोड़ने पर तुल चुके हैं, और बांग्लादेश किस तरीके से भारत के खिलाफ अपने फैसले ले रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले उनकी इस्लामिस्ट पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी गई कि वह अपने आप को मोदी शासन से अलग कर ले। यहां तक कि उनकी तरफ से यह भी कहा गया भारत कि अगर भारत कुछ भी बांग्लादेश के खिलाफ करने की कोशिश करता है तो भारत के चिकन नेक को चीन की मदद से ब्लॉक करके भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य को भारत की जमीनी सीमा से तोड़ देंगे, यानी कि बांग्लादेश के लोग तुम्हारा बांग्लादेश पूरा जीत कर रख लेंगे, देश में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा भारत को धमकियां भी दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश होते हुए भी भारत के खिलाफ किस तरीके का फैसला ले रहा है इसका अंदाजा इस खबर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है, और परमाणु हथियार बनाने के साथ साथ
पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज वाली गौरी मिसाइल को लेकर भारत के बॉर्डर के करीब तैनात कर सकता है। अच्छा, आपको बता दें कि बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा भारत के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना यह साफ साफ दिखा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार और वहां के कट्टरपंथी ही नहीं बल्कि वहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी कहीं ना कहीं भारत से अपने व्यापारिक रिलेशन को तोड़ने पर तुले हुए हैं। लेकिन एक तरफ भारत से दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाकर अपनी ट्रेड को धीरे धीरे पाकिस्तान और चीन में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि यह बात जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस भले ही बीच बीच में यह कह रहे हैं कि वह भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश की भारत पर डिपेंडेंसी की बात आती है तो उनकी लगभग पूरी तरह से निर्भरता भारत पर ही देखने को मिलती है, चाहे वह सामानों के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में हो या फिर आर्थिक मदद की। और हमने आपको बताया कि फार्मा इंडस्ट्री में किस तरीके से बांग्लादेश भारत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि भले ही बांग्लादेश में 97% दवाओं का प्रोडक्शन वहां की कंपनियां खुद करती हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है उसमें से 30% भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर भारत के द्वारा यही एक्सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया गया होता तो बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ वही हो रहा है और बांग्लादेश ने खुद मिट्टी में मिलने की तैयारी शुरू कर दी है। मेरे को तो ये बात सुन के शौक लगा कि वो अपनी मेडिसिन खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल मतलब वो इंडिया से लेते 30% खाली। मैं उस पे हैरान थी, मुझे लगा था कि फार्मा का मतलब कि हमसे मेडिसिंस लेते हैं, जैसे पाकिस्तान लेता है कि हमसे मेडिसिन दवाइयां लेता है और पैसे देता है हमें। इन्होंने ये बांग्लादेश शुरू से इसकी इनकी कोशिश यही थी कि जो जो इंडिया बनाता है वही चीज़ें हम बना के उससे आगे जाएं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्होंने कब्जाई हुई थी इंडिया के टक्कर में, दे वर डूइंग बेटर, इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे आगे थे और अब ये फार्मा के अंदर भी घुसे हुए थे। तो इनका पूरा यही था बांग्लादेश में कि हमने इन एरियाज में इंडिया को बीट करना है, इंडिया को टक्कर देने के लिए इनका था। अब सुन के शॉक लगा, अब पता चला कि खाली टेक्सटाइल ही नहीं दवाइयों के मामले में भी ये कर रहे थे कि हम खुद बनाएंगे, कि इंडिया जैसे बना रहा है तो वैसे ही भारत की तरह हमने बनानी है, और सिर्फ रॉ मटेरियल ले रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि अब इस सिचुएशन में इन्होंने फायदा उठाने के लिए कई कंपनीज ये सोच रही है कि क्योंकि अब इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं तो हम जरा फायदा उठा लेते हैं, पैसे नहीं देते इंडियन कंपनीज को दवाइयों के। अब इनकी ये चाल चल रही है, उनको ये नहीं पता है कि ऐसे नहीं होता, एक लीगल एस्पेक्ट भी होता है, तुम्हारे ऊपर केसेस हो सकते हैं, यू हैव टू पे, और कहीं हो सकता है बंद करके कंपनी भाग गई हो। राइट, देखिए इसमें यहाँ पे न्यूज तो यही है कि बांग्लादेश को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि वो चाइना की हेल्प ले रहे हैं। वही तो, शेख हसीना भी लेती थी चाइना से हेल्प, मगर वो कह रहे हैं अब ज्यादा हेल्प ले रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, बहुत चीजें किए हैं, बैंक ऑफ चाइना से लोन आ जाता है। तो बेसिकली उन्होंने ये देखा है कि अगर इंडिया से तुम्हें नहीं बनानी तो इट्स ओके, चाइना से बना लेंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, वो तो लॉन्ग टर्म उन पे इफेक्ट होगा डेफिनेटली, चाइना तो कभी भी जैसे इंडिया देता है उस तरह से तो देगा नहीं, वो इनका पूरा जो कहते हैं ना जैसे खून चूस लेगा। राइट, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बांग्लादेश जो है इंडिया पे डिपेंडेंट है, दे आर नॉट, और क्योंकि वो चाइना से हेल्प ले रहे हैं। वही तो, यही होना था इवेंचुअली, दिख रहा था क्योंकि एक न्यूज में बताया तो था कि यूएसए को इंडिया ने बोला था कि जो भी अगर कुछ हो रहा है या शेख हसीना कुछ गलत कर रही है तो उसको भी इग्नोर कर दो, क्योंकि एटलीस्ट शेख हसीना जो है वो इंडिया की दोस्त, प्रो इंडिया है, जो दूसरी पार्टी है अगर वो आ गई तो वो चाइना के साथ हो जाएगी, जो हमारे लिए यूएसए के लिए भी और इंडिया के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए न्यूज में ये था कि जो है यूएसए चुप बैठा हुआ था, पर चाइना ने अपना खेल खेल दिया और अपना ये तख्ता पलट करवा के अब उसने अपनी गेम शुरू कर दी है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।